सो हेलो वेलकम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अब चलते हैं एक जगह, पापा को लेके जाना है किसी काम से, तो आपको मिलते हैं, अब दिखाते हैं रोड। हाँ हाँ चल ले। तो गाइस पापा ने फोटो स्टेट करा ली है, अब चलते हैं। फोटो स्टेट भी हो गई, पापा की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, इसलिए पापा बहुत दिन से मतलब घर पे थे, रेस्ट पे ड्यूटी भी नहीं जा रहे थे, इस वजह से तो मैं पापा को लेकर आया हूँ। पापा के साथ चलते हैं। हमेशा फाटक ही लगे रहते हैं हम यार, हमेशा, कभी भी ऐसे नहीं कि फाटक ना लगे रहे, भयंकर हमेशा लगे रहते हैं। ये भाई लड़ाई हो रही है, मादर छोर लिया भैया। हाँ समझो, नीचे से निकाल के बात कर लेते हैं, वैसे देख रहे हैं तो खाएगा क्या। हाँ तो भाई हम निकल चुके हैं यहाँ से, दारू पीने के बाद लड़ रहे थे दो तीन लोग आपस में। तो ये देखो, ये अपना मेरठ कैंट है, मेरठ कैंट में आ गए, अपना मेरठ कैंट भी दिखा देते हैं आपको चलते हुए, और क्या नाम, उसके बाद पापा को भी दिखा के आना है। इसी तरीके से चलते रहेंगे, लोग आते रहेंगे। तो इस व्लॉग में थोड़ा प्यार दिखाओ, थोड़ा प्यार सा दिखा दो यार। ये फौजी खड़े हैं अपने सर, ये बस चल रही है साइड में को, आज पापा साथ में, तो हम चला रहे 40 की और 50 की स्पीड के बीच में, खाली रोड होने के बाद भी देख लो। ये होता है पापा का डर, इसे डर बोलते हैं। गाय माता सिंह को जाते हुए फौजी भाई सरदार जी अपने, ये भाई फुटरेस्ट दे रखे, फुटरेस्ट पे रख ले पैर यार, कहाँ नीचे लटका के जाना है, ये शर्म ना आती का। तो भाई हम तो मेरठ में ऐसी मोड़ देते किधर को भी, ये लो इंडिया को मोड़ दी, बिना इंडिकेटर दिए ना कुछ, पर इंडिकेटर मैंने दिया था यार, मैं इंडिकेटर दे के मोड़ता हूँ हमेशा, ताकि जो पीछे ठोके ना तो उसे मैं ठोकूँ, उसे मैं दिखा सकूँ, इंडिकेटर दे रखा था बेटा, उसके बावजूद भी आपने अपनी माँ बहन कराई हमसे। पापा ने बोल ही दिया आराम से चल ले, इतना मंदी चलाने के बाद भी आराम से चल ले, वाह पापा वाह, आई लाइक इट।
हाँ जी सीधे जाना चुराया पड़ेगा जी हाँ जाना उनको सीधे चलना चुराया पड़ेगा एक बड़ा सा उससे पहले ही सीधे हाथ खुल गया मोहन अड्डा के पास चुराया गोल है दाएं हो जाना दाएं से सीधे चलना ऐसे चलना एक किलोमीटर जी एक किलो ही लगा लो वही सीधे हाथ खुल कमिश्नर चौक ठीक है भैया धन्यवाद भैया लोग कितने अच्छे हुए भयंकर हमारे यहाँ के मेरठ के आप तो हाँ कहाँ तो कहीं दम आ गए सीएमओ ऑफिस में स्कूटी लगा देते हैं साइड में को और हालत कुछ ऐसी हो गई दिखा देते हैं आपको तो कुछ इस प्रकार से हो रही है और सिकल बहुत गंदी हो रही है देखिए टोपी उतार के दिखा देता हूँ बालों पसीना पसीना हो गया बहुत ज़्यादा हालत ख़राब सी हो गई है बहुत ज़्यादा इधर बहुत देर में जाके सीएम ऑफिस मिला है सीएम ऑफिस है हमारे इधर का मेरठ का और हमारी हालत ऐसी हो रही है बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सी हो गई तो काम करा लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे जल्दी दो चाबी चलो बैठो तो भाई यहाँ से काम निमट चुका अब यहाँ से चलते हैं यहाँ से निकलते हुए चलते हैं यहाँ से अपना काम हो गया यहाँ से चलते हैं तो भाई जहाँ से सारा काम निपट गया है अब यहाँ से चलते हैं सीधा तन्नु पुच्चू स्कूल से छूटने वाली है उनके पास भी चलना है और अब चलते हैं और चलते हैं सीधा पापा के ऑफिस पापा ऑफिस में बैठेंगे इतने 1:30 बजे तन्नु पुच्चू की छुट्टी होगी टाइम हो रहा है 12:48 मतलब 12:48 इतने उनके बच्चों की छुट्टी होगी इतने पापा के ऑफिस में बैठते हैं हम लोग मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस पापा एमएस में जॉब करते हैं मेरे और हम आ गए हैं पापा के ऑफिस पे ये जय भोलेनाथ ये वरना कड़ी है किसकी टिमटिम आती हुई नया एलोई व्हील है किसके उतरवा के लगवाए ये पापा का ऑफिस सारा पापा जा रहे चौड़े हो गए भाई मेरे पापा की हाँ
तो गाइस पापा का रिटायरमेंट आ रहा है अगले साल, पापा का रिटायरमेंट है जैसे कि, और पापा ने मेरे जॉब की है। हाँ तो मेरे पापा ने जॉब बहुत बेहतरीन तरीके से करी है, और पापा ने अच्छे तरीके से जॉब करी है, क्या नाम, और अब चलते हैं घर पे। अब चलते हैं घर की ओर, देखो कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हाय गोलू मोलू से मोटे मोटे बच्चे। हमारी तनु तो पतली सी होगी, वरना ये बहुत हेल्थी सी थी। ये देखो कितना रश है यहाँ पे, सबके फादर और मदर लेने आए हैं बच्चों को। बच्चे बहुत प्यारे प्यारे से हैं। अभी एक लड़की देखी हमने, सेम हमारी जो छोटे वाली मेरे भाई की जो बेटी है छोटी, सेम उसकी जैसी एक लड़की, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी, बस वो थोड़ी बड़ी थी, हमारी पुच्छो थोड़ी छोटी है। तो गाइस हम आ चुके हैं और अब चलते हैं घर की ओर, तन्नु आ गई है साथ में, सब पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं लेने के लिए बच्चों को। यार एक चीज़ है, हमें तो वो पेरेंट्स बहुत बुरे लगते हैं बच्चों की बस या वगैरह एनीथिंग मतलब कुछ लगा देते हैं कि बच्चे को छोड़ना है, वो लेकर आए। अब मतलब अच्छा, तो गाइस मतलब मैं जो कहना चाहता, मैं ये कहना चाहता कि बच्चों को ले के आओ और बच्चों को छोड़ के आओगे, नहीं अच्छी फीलिंग होती है, और बच्चों की सेफ्टी अपने मतलब अपने पास में ही होती है, क्योंकि आज का टाइम बहुत ख़राब है। तो इसलिए मेरा मानना तो यही है कि बच्चों को खुद छोड़ के आओ, खुद ले के आओ। हम अपनी तन्नु को खुद छोड़ने आते हैं, खुद लेने आते हैं, डेली पापा ले के जाते हैं, आज मैं आऊँ पापा के साथ तो हम ले के जा रहे हैं। स्प्रेट नहीं करते बेटा, रास्ते में नहीं थूकते, सुधर जाओ मेरठ वालों, तुम नहीं तो बदनाम हो। तो अब तन्नू बाबा से बात करते हुए चल रही है पीछे, बहुत सारी बड़ा कर दी, अभी आगे चल के रोएंगे कि बाबा चीजी, बाबा से चीजे के लिए बोलेंगे। 40 के जूड़े चलते हुए हम, हाँ बाबा कर दी। जल्दी आ, जल्दी आ इधर, इधर से चावल चल जाएगा, उसे रुक जाओ, खुला है। बच्चा रो रहा है पुच्छू के से, आ गई मेरी मस्तानी, आगे बैठ। फौजी ने सारी रोड रोक दी, रोड रोक दी इसने, और भयंकर पुलिस वालों पे कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, पुलिस वालों पे रोड जाम नहीं होती, आप देख सकते हो पूरे में फौजी खड़े हैं यहाँ पे। और मैं हेलमेट में ये लगा लेता हूँ अपना दोबारे से माउंट, तो मेरा माउंट लग गया, अब हम चलते हैं। फौजियों में दम होता है भाई साहब, अब कंपनी बाग पे आ गए हैं, देखो हम कंपनी बाग पे, इसे गांधी बाग भी बोलते हैं, कंपनी बाग भी बोलते हैं, और अब हम चल रहे हैं पापा।
यहाँ से भी स्कूल की छुट्टी होने वाली है। तो यार फौजी मिलेंगे हमारे यहाँ तो कैंट में यार, इन्हें देख के बहुत अच्छा से लगता है, दिल गुस्सा हो जाता है। ये देखो यार पसीने मोरे बेचारे। तो गाइस ने बच्चों को नीचे कर दिया। और गाइस हम चलते हैं घर की तरफ को, अब घर हमारा पास में ही है। पापा को विस्मय वाली गाड़ी चलती है मीस की गई। और हम चल रहे हैं अपना मौज में बड़े तरीके से। फौजी भैया जा रहे हैं, फौजी भाई हमें देखते हुए देख रहे हैं हम ही, और हम सही मजे में चलते हुए हैं। ये भाई के मतलब मेरे भैया के भाई गए बड़े वाले। तो गाइस हम आ गए, हमारी बाइक है और घर की ओर आ गए। ये तन्नू को स्कूल से लेकर आए हैं, पुच्छू और ही पापा अरे काम नहीं मट गया हमारा सारा, और हम घर की ओर आ गए। यहाँ पे नस्ल बैठी है गंदी गंदी सी गली की, देख लो इन्हें ढंग से एक बार गंदी नस्ल। तो आई होप गाइस व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और व्लॉग को करते हैं अब यहीं पे एंड, और ऐसे ही व्लॉग आते रहेंगे और ऐसे प्यार देते रहना। तो स्वस्थ मस्त खुश रहो और व्लॉग को करते हैं एंड। और जो लोग नए हैं व्यूवर, वो क्या नाम है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को। ओके।